गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था वर्ड प्रोसेसिंग में डेटा एंट्री के लिए, तो उस लेक्चर को लेकर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके डाउट पूछो या मैसेज बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो। ओए मेरा लेक्चर चालू है ऑनलाइन। किसी को भी कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग, कल जो हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो हमने देखा कि कैसे फॉन्ट टाइप किया जाता है, कैसे उसको फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन यूज किया जाता है, स्टाइलिंग दी जाती है, साइज छोटा बड़ा किया जाता है, वो सारे ऑप्शंस में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, वी विल क्लियर द डाउट्स। थ्योरेटिकल डाउट्स हो या प्रैक्टिकल डाउट्स हो, कोई भी डाउट पूछो, कोई इशू नहीं है। देखो जब भी कोई लेक्चर हो जाएगा ना तो इसको ना पढ़ो, डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू करो, या रिकॉर्डिंग जो मैं शेयर करता हूँ ना उसको एक बार जरूर गो थ्रू करना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग को, तो कुछ ना कुछ आपको डाउट आएगा। तो क्या करो ना, उस डाउट को एक पेपर पे लिखो, और जैसे ही आपके दो चार डाउट्स बन जाएंगे या एक डाउट भी रहेगा या पांच डाउट्स हो या दस डाउट्स हो, वो डाउट्स लिख के आप मुझे व्हाट्सअप करो, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा ना वो लेक्चर में मैं शुरू में डाउट्स क्लियर करूंगा पहले, फिर डाउट क्लियर करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे। ओके तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो। और कोई भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में, ये देखो यहाँ पे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स होता है, सिंपल होता है एकदम ना। व्हाट विल हैपन टू द कर्सर व्हेन यू यूज द फॉलोइंग शॉर्टकट, ये बटन्स यूज करोगे तो क्या होगा, होम दबाओगे तो क्या होगा, एंड दबाओगे बटन तो क्या होगा, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है जो आपके बुक में है, इसके आंसर्स, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ट्रू फॉल्स, सही या गलत, एकदम इजी है ना सही गलत चूज करना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे आपके टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से उसको आप सॉल्व करो। ये देखो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है, तो क्या होगा ना हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो। हेलो सर, नहीं आपका ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी ऑप्शंस है, पॉइंट्स है, वो आपको अभी जब फ्रेश है तभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके तो ये अभी दिख रहा है? यस सर। ये अपना इंडेक्स क्वेश्चन है जिसे शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू लाइन, नए लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, हाय माय नेम इज, अब नया लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मुझे एंटर दबाना पड़ेगा, शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा या अल्ट एंटर दबाना पड़ेगा, बोलो। एंटर। एंटर कितना सिंपल है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। वो पूछ रहा है हमको कि अगर हमको नए लाइन पे जाना है, ये मेरी पुरानी लाइन है ऊपर की, ये मेरी नई लाइन है, तो यहां से यहां जाना तो एंटर की दबाओ, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, और इसी में अगर आपको डाउट आता तो मुझे पूछो। एक पेन पेपर पे लिखने का, व्हाट्सएप करने का, या टाइप करके व्हाट्सएप करो। ओके ओके सो टुडे वी आर मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 4, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब यही वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम आज भी वर्ड प्रोसेसिंग का नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। ओके फॉर्मेटिंग मतलब क्या, फॉर्मेटिंग मतलब होता है स्टाइल करना, फॉर्मेट करना, चीजों को ठीक करना, चीजों को फॉर्मेट मतलब ठीक करना।
अब फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? डॉक्यूमेंट को ठीक करना। जैसे कि कल हमने देखा, मैंने यहां से एक रिज्यूमे ओपन किया था। ये हमने कल देखा था रिज्यूमे। अब ये फोटो यहां पे ना होते हुए, अगर ये फोटो यहां नहीं, यहां बीच में कहीं ले लूं मैं, तो क्या वो ठीक लगेगा? नहीं। लेफ्ट साइड में फोटो, राइट साइड में नेम, फिर लेफ्ट साइड में एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब एक प्रॉपर फॉर्मेट में है तो वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक जगह पे आपने लिखा एक्सपीरियंस, दूसरी जगह आपने लिखा एजुकेशन, कैटेगरी बना दी ना आपने। ऐसे तो नहीं होता ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया, फिर एक्सपीरियंस एक लाइन एक्सपीरियंस की, एक लाइन एजुकेशन की, फिर एक लाइन कम्युनिकेशन, मिक्स तो नहीं करते हो ना। प्लस आप देखो ये सारी चीजें अलाइंड है, अलाइंड मतलब एक लाइन से प्रॉपर दिख रही है हमको, कचरा जैसा मिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए छोटे मोटे ऑप्शंस को यूज करना पड़ता है। वो छोटे मोटे ऑप्शंस वर्ड में क्या है वो हम इस डॉक्यूमेंट में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्किंग विद टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या? टेक्स्ट मतलब कोई भी शब्द जो हम टाइप कर रहे हैं। हेलो, ये एक टेक्स्ट हो गया। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, मैं थोड़ा इसका जूमिंग भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, ये मैं जो टाइप कर रहा हूँ ये टेक्स्ट है, आपको सबको पता है, ठीक है? इसको टेक्स्ट बोलते हैं। अब टेक्स्ट को टाइप करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू एंटर टेक्स्ट यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन द टेक्स्ट एरिया। बराबर, मतलब अगर हमको टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको क्या करना है? सिर्फ टाइपिंग करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आया, मैंने हेलो टुडे इज माय डेटा एंट्री लेक्चर, ये टाइप किया। मुझे इसके लिए कुछ कमांड टाइप करनी पड़ी, कुछ शॉर्टकट टाइप करना पड़ा, कुछ यूज करना पड़ा? नहीं, मैंने सिर्फ वहां पे आया और मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। तो हमारे चैप्टर में भी वही बोल रहा है कि आपको टाइपिंग करने के लिए जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन द टेक्स्ट एरिया, खाली आप टाइपिंग शुरू करो, टाइपिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आप टाइप करोगे टाइपिंग आगे आगे बढ़ती जाएगी। ये आपका एक छोटा सा कर्सर बोलते हैं इसको, कर्सर, ये ब्लिंक हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टाइप करोगे वो आगे आगे बढ़ते जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा। कर्सर एक पोजीशन होता है, वो बताता है कि आपका टाइपिंग कहाँ से शुरू होने वाला है। हाय, दिस इज माय पोजीशन ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट, है ना? तब जगह पे हमको वो दिख रहा है कर्सर। आपको समझ रहा है ये जो ब्लिंक हो रहा है ना टी के बाद में, छोटा सा जो लाइन, खड़ा लाइन जो ब्लिंक हो रहा है उसको बोलते हैं कर्सर। ओके, वो टेक्स्ट के साथ में आगे आगे मूव होते रहता है। और जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है या नए लाइन पे आना है तो आपको क्या करना है? एंटर दबाओ, और एक बार एंटर दबाओगे तो और नीचे आएगा, और एक बार एंटर दबाओगे तो और नीचे आएगा। जितना दबाओगे एंटर उतना नीचे आएगा, और बैक स्पेस बटन जो अपने कंप्यूटर पे होता है उससे वो ऊपर भी जाएगा, बैक स्पेस। इंसर्टिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट कैसे करेंगे हम? मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में गया, उसके पहले मैं ये वाला डॉक्यूमेंट क्लोज कर देता हूं। जस्ट अ मिनट, आई एम अनेबल टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। ओके, इंसर्टिंग टेक्स्ट मतलब क्या? मैं इंसर्ट में जाता हूं, कहां पर? होम के बाजू में इंसर्ट, यहां पर टेक्स्ट बॉक्स है, यहां से मैं टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकता हूं, एक बॉक्स में भी टेक्स्ट को लिख सकता हूं। तो मुझे इस तरीके का एक बॉक्स भी मिल जाता है।
ओके। अब इसके बाद में यहां पर ओए 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 कौन है रे, कौन चिल्ला रहा है, आवाज मत करो, लेक्चर चालू है मेरा। तो इस तरीके से यहां पे टेक्स्ट को एंटर किया जा सकता है। इस टेक्स्ट पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। हाय आई एम चेंजिंग द टेक्स्ट हियर इन द बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या फायदा है, टेक्स्ट बॉक्स का फायदा यह है कि मैं इसको कहीं भी मूव करके रख भी सकता हूं, बट नॉर्मल में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको मैं मूव नहीं कर सकता, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का फायदा है। अब कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड बटन। कंट्रोल होम से क्या होता है ना, कंट्रोल होम दबाऊंगा तो ये टॉप में चला जाएगा, होम मतलब एकदम टॉप वाली जगह, और कंट्रोल एंड मतलब एकदम बॉटम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कंट्रोल होम से टॉप पे गया, कंट्रोल एंड से एकदम बॉटम में है, आप देख रहे हो यहाँ पे आके रुक गया मेरा कर्सर। तो कंट्रोल होम सॉरी कंट्रोल होम मतलब टॉप में जाता है और कंट्रोल एंड मतलब नीचे आता है। जब हमारे पास 10 पेजेस होंगे और आपको 10वें पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एंड बटन दबाओगे, और अगर आप 10वें पेज पे हो और आपको फर्स्ट पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल होम बटन दबाओगे। स्पेस बार एंड टैब्स। स्पेस बार मतलब क्या, कंप्यूटर में स्पेस बार होता है, आपको एक खाली जगह देना है तो स्पेस बार, आपको आपने लिखा हेलो अब आपको स्पेस देना होता है अगला शब्द लिखने के लिए, तो आपको स्पेस बार दबाना है, जो कि आई होप सबको मालूम होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप सीख भी सकते हो, ठीक है। अब टैब, टैब मतलब बड़ा स्पेस बार, देखो टैब से ना बहुत ज्यादा आगे जा रहा है वो, यहां पे मैं रखता हूं, स्पेस बार से कितना जा रहा है, एक एक शब्द आगे जा रहा है, एक एक अल्फाबेट आगे जा रहा है, ओके थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन टैब से देखो पांच पांच शब्द आगे जा रहा है, बड़ा बड़ा शब्द आगे जा रहा है, तो दोनों का यही डिफरेंस है कि स्पेस बार है वो एक अल्फाबेट आगे जाता है और टैब है वो पूरा शब्द आगे जाता है। पैराग्राफ मार्कर। पैराग्राफ मार्कर कब यूज होता है, जब हमको ये जानना है कि पैराग्राफ कितने हैं। होम में यहां पर पैराग्राफ का एक शो हाइड का बटन है, आप इसको एक बार क्लिक करो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ है, जहां जहां आपका न्यू पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां वहां वो मार्कर आ जाएगा। ये सिर्फ एक मार्कर है जो सिग्नल दे रहा है कि ये पैराग्राफ का शुरुआत है और आखिर है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर हमको सिलेक्ट करना है, समझो हेलो टुडे इज माय डेटा एंट्री लेक्चर, ये मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्सर यहाँ पे रखना है, शिफ्ट बटन दबाना है और राइट एरो बटन दबा के आगे बढ़ना है, इट इज वेरी सिंपल, करेक्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी को कीबोर्ड के बटन याद नहीं आते होंगे तो उसके लिए ये एक है हमारा वर्चुअल कीबोर्ड, ये शिफ्ट बटन है, इसको दबाया, और ये एरो बटन है इसको दबाया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने हेलो पे यहाँ पे कर्सर रखा, अब शिफ्ट दबाया और राइट एरो बटन दबा रहा हूं, डबल शिफ्ट, एक मिनट, शिफ्ट दबाया और राइट एरो दबा दिया, बट इसमें थोड़ा सा पूरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ये देखो शिफ्ट दबाया मैंने और राइट एरो दबाया तो जितना चाहिए उतना सिलेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, ये देखो सिलेक्टिंग द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, सिंपल है ना, जैसे मैंने आपको अभी इस
कीबोर्ड के थ्रू से पता है उसी तरीके से। ये देखो, ये हमारा एंटर बटन है, ये हमारा बैक स्पेस बता रहा था ना, बैक स्पेस, ये हमारा बैक स्पेस बटन है जो पीछे की तरफ डिलीट करता है। ये हमारे इस चैप्टर में है, देखो बता रहा हूँ, बैक स्पेस में ये हटा देता हूँ पैराग्राफ। बैक स्पेस से क्या होता है ना, एक अल्फाबेट पीछे डिलीट करता है। बैक स्पेस से क्या करता है, पीछे डिलीट होता है एक अल्फाबेट। और अगर मैं टुडे की जगह रखता हूँ और डिलीट करूंगा तो वो आगे की तरफ डिलीट करता है एक अल्फाबेट। तो डिलीट आगे की तरफ डिलीट करता है और बैक स्पेस पीछे की तरफ डिलीट करता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। फिर ये आपका टैब बटन जो मैंने बताया, वो ये टैब बटन है और ये आपका स्पेस बार है। आप रिकॉर्डिंग को फिर से बाद में देखो, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इसमें तो रिवाइज करो रिकॉर्डिंग देख के, और मुझे डाउट भी पूछ सकते हो बाद में। तो ये आपका टैब बटन है, ये आपका स्पेस बार है, ये आपका शिफ्ट बटन है, ये आपका बैक स्पेस है, ये आपका एंटर बटन है। वेरी सिंपल। डिलीटिंग टेक्स्ट मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। रिप्लेसिंग टेक्स्ट, वर्ड कैन कंबाइन द स्टेप्स ऑफ डिलीटिंग अनवांटेड टेक्स्ट, पोजिशनिंग द इंसर्शन ऑफ पॉइंट एंड रिप्लेसमेंट। वर्ड में हम क्या कर सकते हैं ना, चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं और उसको बैकस्पेस में भी डिलीट कर सकते हैं और फ्रंट में भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो कैसे करें, सिंपल है। मुझे पोजीशन की जगह पे, माय पोजीशन की जगह पे माय स्पेस लिखना है, तो मैंने पोजीशन को सिलेक्ट कर दिया और वहां पे स्पेस लिख दिया, हो गया रिप्लेस। अब मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको डिलीट किया फिर पोजीशन लिखा, बट इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इजी व्हेन वी आर बिजी कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको रिप्लेस कर दिया। जब हम फास्ट काम करते हैं ना तो ये सारे शॉर्टकट्स ऑप्शंस काम आते हैं। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करके उसको टाइप करके रिप्लेस कर दिया। क्लिक एंड टाइप। दिस फीचर्स अलाउज यू टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एनीवेयर इन द पेज। ये हमारा क्लिक एंड टाइप ऑप्शन जो है वो हमारा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। टेक्स्ट बॉक्स को एंटर मारा और टाइप किया और प्रोसेस कर दिया, बहुत सिंपल है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार इट इज द इजिएस्ट वे टू चेंज मेनी एट्रीब्यूट्स। जैसे कि कौन से एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स, मतलब फीचर्स, सुविधाएं, फॉन्ट्स, पैराग्राफ वगैरह वगैरह चेंज करना। तो कैसे चेंज होगी, यहां से चेंज होगी, ये बी है, इससे क्या होगा बोल्ड होगा, बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा कोई भी शब्द। ये आई है, इससे इटैलिक होगा, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये यू है अंडरलाइन, इससे अंडरलाइन हो जाएगा, ये हमने कल भी देखा था थोड़ा सा, फिर से बताता हूँ। हेलो हाय को मैंने बी से बोल्ड कर दिया, बॉटम को सिलेक्ट किया मैंने और आई से इटैलिक करता हूं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करो तो कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। लाइव सीखते हो तो थोड़ा सा अलग मजा होता है, एक्साइटमेंट होती है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो उसमें उतनी मजा, उतना एक्टिवनेस नहीं होता है। ओके, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, फिर एंड को मैंने डबल क्लिक किया और अंडरलाइन किया। देखो ये बोल्ड हो गया, इसके नीचे लाइन आ गई और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर टेढ़ा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बताता हूँ, इसके बाजू में और एक हले हाई कर दिया इसको मैं। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस, ये सीधा है हलो हाई और ये टेढ़ा हो गया हलो हाई, इसको इटैलिक कहते हैं। फिर अगर हमको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहां से चेंज करेंगे, उसका साइज चेंज करना है तो यहां से चेंज करेंगे। ये ए जो है इससे बड़ा होता है शब्द, ये ए है उससे छोटा होता है शब्द, ये मैंने कल भी आपको बताया था। ये हेलो हाय है, बड़ा वाला एक क्लिक करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला एक क्लिक करूंगा तो
छोटा हो जाएगा. Somebody is knocking. Alicia. Welcome बेटा. Okay. अब numbers and bullet. Bullet ये होता है, numbers ये होता है. Okay. अब numbers और bullets क्या होता है? List बनाने के काम आता है. जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर रैम है, उसके अंदर प्रोसेसर है, ओके, उसके अंदर एक मॉनिटर भी है, उसके अंदर एक कीबोर्ड है. अब क्या हो गया ना, ये कंप्यूटर है ना, मेरा मेन चीज है, मेरी मशीन है. तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर में जितनी भी चीजें आए उसकी क्या मैं एक लिस्ट बनाऊं. क्या बनाऊं? लिस्ट बनाऊं. हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है. इसको मैंने सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद में पैराग्राफ में आता हूं. बुलेट्स दिख रहा है यहाँ पे, छोटा एरो है, एरो पे क्लिक किया. आपको जो ऑप्शन चाहिए, जो डिजाइनिंग चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वो ऐसे दिखेगा. अगर आप चाहते हो कि मुझे एक नंबर्स वाला भी एग्जांपल दिखाओ, तो मैं एक नंबर वाला भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. इसके अंदर डाल के, इसके अंदर क्यों डाला? क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स मूव करता है, तो साइड बाय साइड रख सकता हूँ. अब यहाँ पे गया, होम में गया, देखिए ये बुलेट्स था, ये नंबर्स है. नंबर्स के ऑप्शंस में गया, 1 2 3 चाहिए, ऐसा 1 2 3 चाहिए, रोमन 1 2 3 चाहिए, एबीसी चाहिए, एबीसी चाहिए, छोटा रोमन चाहिए, छोटा एबीसी चाहिए, या नॉर्मल 1 2 3 चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाए. इसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग, लिस्टिंग. इसका हमको अगर लिस्ट बनाना है ना, तो इस तरीके से बनाना है. अब इंडेंट क्या होता है? What is indent? Indentation का मतलब क्या है? चलो देखते हैं. ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया. नंबर बुलेट लिस्ट जो बता रहा हूं मैं आपको एडवांस में इसको रेफर किए बगैर बता रहा हूं, इजी प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं. ओके. इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट. इंडेंटेशन क्या होता है? मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो, मतलब ये लाइन में जितना भी था सारा चीज राइट में शिफ्ट कर दिया या लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. इजी है ना, लेफ्ट में शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट किया. इसको बोलते हैं इंडेंटेशन. देखो, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, या इसको डिक्रीज डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट भी बोल सकते हो. इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ को मूव करना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से. बॉर्डर, बॉर्डर दो तरीके के हो सकते हैं. एक, मैंने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, फिर मैं इंसर्ट में गया, फिर टेबल्स में गया, ड्रॉ टेबल करके मैं यहाँ पे टेबल इस तरीके से ड्रॉ करके उसको बॉर्डर दे सकता हूँ. ओके. ये नॉर्मल बॉर्डर हो गया. और दूसरा बॉर्डर होगा, मेरा पेज है पूरा. अब इस पेज को मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा. देखो, होम, इंसर्ट, थोड़ा सा कर्सर के मूवमेंट पे ध्यान रखना. इंसर्ट में गया, फिर यहाँ पर ब्लैंक पेज, कवर पेज, वर्जन्स में बहुत फर्क है, पेज नंबर, फुटर कहीं दिख रहा है, बॉर्डर, ड्रॉ, डिजाइन. ओके, डिजाइन के अंदर आगे देखो, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन. कभी भी आपके पास कोई भी कंप्यूटर में वर्जन आए, आपको ऑप्शन ना मिले, तो बिल्कुल भी डरना मत. थोड़ा सा ना इंसर्ट की जगह डिजाइन में देख लेना, ड्रॉ में देख लेना, कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें कहाँ पे मिला? डिजाइन में. डिजाइन में और एक ऑप्शन बता देता हूँ, पेज कलर, ये भी हमारे सिलेबस में.
पूरे पेज का कलर मैंने चेंज कर सकता हूँ। इसमें फिल इफेक्ट है, मतलब डिजाइंड वे में भी पेज का कलर आ सकता है, और बहुत सारे इसके अंदर बेसिक बेसिक फंक्शंस भी है और एडवांस फंक्शंस भी हैं। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं फिल इफेक्ट डायगोनल। अब देखो इसमें अलग अलग भी है इफेक्ट, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पेज बॉर्डर क्या होता है उस पर आ जाते हैं। पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है ना, नन नन सिलेक्टेड है, नन ब्लू कलर का दिख रहा है ना, नन ब्लू है मतलब नन सिलेक्टेड है, और नन का मतलब होता है कुछ नहीं, बट हमको तो बॉर्डर चाहिए, तो हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टाइल में इस लाइन को ऑलरेडी सिलेक्टेड है, चाहो तो आप कोई भी स्टाइलिश लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, जो सिलेक्ट करोगे ना वैसे बॉर्डर आएगा, कलर ऑटोमेटिक, बट मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। फिर उसकी विड्थ, बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा मैक्सिमम ले लेता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ, और ना ये पेज कलर को हटा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। समझ में आ रहा है बॉर्डर कैसा है, ऐसा बॉर्डर आ गया। फिर से बॉर्डर में गया, ऊपर जाता हूँ, सिंपल बॉर्डर लेता हूँ, इसका साइज को बड़ा कर देता हूँ, इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ, ताकि आपको सिंपल बॉर्डर भी पता चले कैसे दिखता है, जो ऑलरेडी सबको मालूम होगा कि ये सिंपल बॉर्डर है, जो हर प्रिंटिंग में बॉर्डर आती है, हर बुक में प्रिंटिंग में आती है, नॉर्मल प्रिंटिंग में आती है, सब जगह पे यूज होती है। ये हो गया हमारा बॉर्डर। टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर, ये भी हमने कल देखा था। टेक्स्ट कलर मतलब ये हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, इसको मैं होम में गया, ये देखो टेक्स्ट फॉन्ट कलर है ना, फॉन्ट और टेक्स्ट सेम होता है, इसको मैं रेड करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हो गया मेरा फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर रेड हो गया, और ये जो कंप्यूटर को मैंने हाईलाइट किया है ना, देखो टेक्स्ट कलर ब्लैक है, मतलब शब्दों का कलर काला है, लेकिन पीछे में येलो है, तो कैसे किया मैंने, कीबोर्ड को बता करके बताता हूँ, सिलेक्ट किया और फॉन्ट कलर के बाजू में हाईलाइट है, बस सिलेक्ट करो, हो गया हाईलाइट येलो। ये हाईलाइट कलर भी अलग अलग कलर का हो सकता है, बट येलो थोड़ा फेमस है, जैसे कि इसकी जगह ग्रीन भी हो सकता है, ओके कोई भी कलर हो सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट पे जाता हूँ, देखो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया, मतलब फॉन्ट पे राइट क्लिक किया, फॉन्ट पे क्लिक किया, यहां से भी मैं जो चीज होम में है वो यहां से भी कर सकता हूँ, साइज चेंज करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, बोल्ड करना है, जो भी चीजें स्टाइलिंग करनी है यहां से भी कर सकता हूँ, बट ये ज्यादा फिजिबल नहीं है, ये सामने ऑप्शन है तो इतने अंदर जाके क्यों चेंज करें। फॉर्मेट पेंटर, कल हमने ये चीज देखा था फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकली चेंज करके बताया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर में मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर ये फॉर्मेट है, इसको मैंने ऐसा दे दिया, फिर मैंने फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा ऐसा स्टाइलिंग कर दिया, इसमें से ये ला दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अब मुझे कीबोर्ड को सेम करना है, इसके जैसा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा और कीबोर्ड को सिलेक्ट करना होगा, तो जैसा ये है वैसा सेम ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। जैसी इसकी स्टाइलिंग है, जैसी इसकी डिजाइन है, सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी, ओके। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, जैसे हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया, सेम वे हम पैराग्राफ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ का
कलर चेंज करना हो, पैराग्राफ को इंडेंटेशन देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट में भी मूव कर सकते हो। पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे प्लेस करते हो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, उसी के ऊपर सारा चीज डिपेंड होता है। लाइन स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ में। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है, इफ आई टेक सम लाइंस, इफ आई कैन कॉपी सम लाइंस, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे करके बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, अब आप चाहते हो कि इसका स्पेस कम हो जाए दो लाइंस के बीच का, तो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखो सारे लाइंस एक दूसरे से चिपक गए। अगर आप चाहते हो कि लाइन के स्पेस का डिस्टेंस बढ़े, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़े, तो क्या करना है, होम में पैराग्राफ में ये दो एरो का बटन है जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पे क्लिक करो। देखो दो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ गया। ऐसा भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि ऐसा स्पेस के साथ में हमें बनाना पड़ता है, उस वक्त हर लाइन के बीच में मैनुअली स्पेस बनाने से अच्छा है आप उसको सिलेक्ट करो, एक साथ ही यहां से ऊपर से स्पेसिंग देके उसको कंप्लीट करा सकते हो। लाइन स्पेसिंग यही था। पैराग्राफ स्पेसिंग भी उसी का पार्ट है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो मैंने आपको बताया, ये वाला ऑप्शन के नन हो, नन था तो नन से बॉक्स पे क्लिक करो, फिर स्टाइलिंग सिलेक्ट करो, कलर सिलेक्ट करो, उसका विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई सिलेक्ट करो और ओके करो। उससे क्या होगा, उससे आपको बॉर्डर मिलेगा। जैसे ये ब्लैक वाला बॉर्डर मिला है, चारों साइड में चार बॉर्डर है ना, लाइन्स है बड़े बड़े, ये चार लाइन्स को बॉर्डर कहते हैं, तो बॉर्डर यहाँ से आपको मिलेगा। बुलेट्स एंड नंबर, बुलेट्स एंड नंबर भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया, थोड़ा सा एडवांस में बता दिया। ये लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट है, ये देखिए ये लिस्ट इस तरीके से है, ये लिस्ट इस तरीके से है। इसको बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं, इसको नंबर लिस्ट बोलते हैं। बुलेट मतलब ये ऐसा गोल शेप है ना, उसको बुलेट लिस्ट बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जैसे कि आप कोई भी चीज लिखते हो, देखो यहाँ पे रॉन्ग लिखा है तो बता रहा है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये रेड है ना, रेड का मतलब मिस्टेक है। ये लेक्चर की स्पेलिंग सही है तो उसने बोला सही है, कोई एरर नहीं है। अब लेक्चर के आगे मैं डालता हूँ लेक्चरर करूंगा तो भी सही होता है, कोई गलत नहीं है, लेक्चरर की स्पेलिंग सही है, लेक्चरर ट टी तो अब बताएगा वो गलत है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे सिंगल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहां से करेक्ट कर सकता हूं उसको। ओके, ये सारी मेन मेन पॉइंट्स हैं। पेज का साइज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और हेडर फुटर क्या होता है, इतना ही इस चैप्टर में है। ठीक है, क्या है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज का साइज और हेडर फुटर क्या होता है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नए पेज पे आते हैं हम लोग, थोड़ा इसका साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे आ गया। अब हमें लेना है पेज का लेआउट में जाना है। लेआउट में साइज है, साइज में A4 लेटर, ये सारे साइजेस हैं, तो अलग अलग साइज का पेज हम लोग बना सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ से साइज सिलेक्ट करना है। A5 मतलब A4 का आधा, A4 मतलब नॉर्मल A4 साइज पेपर। ओरिएंटेशन मतलब पेज आपको खड़ा देखना है या आड़ा देखना है। आड़ा देखना है तो देखो कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, टेढ़ा हो गया। अगर मैं पेज को खड़ा कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे सिंबल है, खड़ा पेपर, आड़ा पेपर, तो पोर्ट्रेट मतलब नॉर्मल खड़ा पेपर और ओरिएंटेशन में लैंडस्केप मतलब आड़ा पेपर। ठीक है, अब हमें देखना है हेडर फुटर। हेडर फुटर मतलब कोई भी पेज, कोई भी पेज के आप टॉप में जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो,
राइट क्लिक करो, क्या करना है, पेज के टॉप में राइट क्लिक करना है हमें, क्या करना है, राइट क्लिक, बार बार बता रहा हूँ, राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने से एक बटन आता है एडिट हेडर, इसको एडिट करो। जैसे आप एडिट करोगे तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, जैसे कंपनी नेम वगैरह लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे आ गया, बोल्ड किया, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और सेंटर कर देता हूँ, आ गया ना हेडर अपना। देखो मैंने एक पेज के ऊपर लिखा कंपनी नेम, लेकिन सारे पेज के ऊपर कंपनी नेम आ गया। मैं अगर ऐसे 100 पेज बना दू ना तो भी उसमें ऑटोमेटिक, देखो नए पेज पे भी आ गया कंपनी नेम, देखो सारे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हेडर फुटर का फायदा क्या है, एक बार डालो बार बार यूज करो। अब नीचे अगर पेज के राइट क्लिक करता हूं तो क्या आता है, फुटर। हेडर का मतलब क्या है, सर मतलब टॉप, फुटर मतलब फुट मतलब पैर, नीचे। फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या फायदा है ना, यहाँ पे आप पेज नंबर डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, पेज नंबर, देखना सारे पेज में नंबर आ गया, दिख रहा है आपको सारे पेज में नंबर, देखो पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। इस फुटर में आप पेज नंबर के अलावा डेट टाइम भी डाल सकते हो, डेट टाइम डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, कोई भी चीज डाल सकते हो। अब ये हेडर फुटर को मैंने एडिट किया, इसको यहाँ पे क्लोज बटन है, क्लोज करूंगा तो नॉर्मली उसके बाहर आ जाएगा। तो ये था आपका हेडर और फुटर, बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम छोटा छोटा सिंपल पॉइंट्स है जो आपको 110% नॉर्मल लाइफ में भी यूज होगा। बेसिक कंप्यूटर कोर्स का पूरा सिलेबस है और बहुत नीट एंड क्लीन है, एकदम इजी टू स्कोर सब्जेक्ट है और रियल लाइफ में भी आपको ये सब चीज काम आएगा। आई होप आपको ये सारा चीज प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप चाहो तो मुझे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर एज यूजुअल आप बाद में भी मुझे डाउट्स मैसेज करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा। अभी के लिए किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताओ। मेरी आवाज कम आ रही तो आपकी आवाज ज्यादा आ रही है क्योंकि आप ट्रेन में हो। ओके दानियाल, कोई डाउट है, सऊद, रयान, सिद्धार्थ, शाहिद, आफ्ताब, नो सर, अलीशा, इफ्रा, गणेश? सिंपल है ना, एकदम सिंपल एंड क्लीन, बट भले कितना भी सिंपल हो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा लर्न करो, थोड़ा सा गो थ्रू करो, बहुत इजी चैप्टर है। और उसके बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कम बैक करके नेक्स्ट लेक्चर के लिए बता सकते हो। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, देखते देखते क्रिएट भी कर लिया, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब देखो तब के तब कर लो, एकदम बेस्ट, परफेक्ट दिमाग में बैठ जाता है। ओके थैंक यू ऑल, बहुत अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा हुआ अपना। नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक ऑन मे बी सैटरडे को, हम नेक्स्ट लेक्चर ले सकते हैं, मैं आपको मैसेज करता हूँ, सैटरडे यही टाइम पे लेंगे, कल लेक्चर नहीं होगा, डायरेक्टली सैटरडे को होगा। ओके थैंक यू ऑल, बाय बाय।